क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक प्लांट के कौन कौन से हिस्से हैं जो उसको उसकी लाइफ में थोरली हेल्प करते हैं अच्छे से ग्रो करने में और अच्छे से सर्वाइव करने में, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अ प्लांट हैज़ टू पार्ट्स, द पार्ट बिलो द ग्राउंड इज़ द रूट। एक प्लांट के दो हिस्से होते हैं, जो हिस्सा उसके ग्राउंड के नीचे हो उसको हम बोलते हैं रूट, एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड इज द शूट। और जो ग्राउंड के ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, शूट। द शूट इज मेड अप ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जितना भी ऊपरी हिस्सा पौधे का हमें दिखाई देता है उसमें जो भी हिस्से आते हैं वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, शूट। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेम है, इसकी ब्रांचेस है, शाखाएँ हैं, उसके पत्ते, उसका फ्लावर, उसके फ्रूट, सारा कुछ जो हमें दिखाई देता है धरती के ऊपरी हिस्से में, वो क्या है, दैट मेड शूट। ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ इट्स फंक्शन जॉब्स। प्लांट के हर एक हिस्से का अपना फंक्शन है, अपना काम है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं रूट से। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ रूट। सारे के सारे प्लांट्स में सेम काइंड की रूट्स नहीं होती है। सम हैव अ मेन रूट, किसी में एक खास रूट होती है, विच हैज़ ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम इट, जिसकी कुछ ब्रांचेस होती है जो उसमें से निकल रही होती है। इस मेन रूट को हम क्या बोल देते हैं, टैप रूट। यहाँ पर आप देख सकते हो टैप रूट दिखाई गई है। नेक्स्ट, सनफ्लावर, डालिया, टमाटो, स्पीनच एंड चिली आर सम ऑफ द प्लांट्स दैट हैव अ टैप रूट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं टैप रूट के। मोस्ट ट्रीज एंड श्रब्स, जो बड़े पेड़ होते हैं और जो श्रब्स होती हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्रास, राइस, वीट, मेज, अनियन एंड लिली आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ मेन रूट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए, उनमें मेन रूट्स मतलब एक खास जड़ नहीं होती। इंस्टेड दे हैव अ क्लंप ऑफ फाइबर लाइक रूट्स, उनमें काफ़ी सारी फाइबर जैसे रूट होती हैं। यहाँ पे डायग्राम में, पिक्चर में आप देख सकते हो, कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम की बेस से, मतलब स्टेम के नीचे से एकदम काफ़ी सारी रूट्स जो हैं इकट्ठी निकलनी शुरू हो जाती हैं। उन रूट्स को हम क्या बोल देते हैं, फाइबरस रूट्स। मेन फंक्शंस ऑफ द रूट, अभी इन रूट्स के, इन जड़ों के मेन फंक्शंस क्या है। द रूट हैज़ टू मेन फंक्शंस, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसके दो मेन काम होते हैं। पहला ये कि ये धरती में जो पानी प्रेजेंट होता है, सॉइल में जो पानी प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के एक एक हिस्से तक पहुँचा देती है। द मिनरल कम फ्रॉम द सॉइल, दे आर डिजॉल्व और मिक्सड इन वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। दे दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ये मिनरल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मिनरल्स एक प्लांट को मिट्टी से मिलते हैं, और मिट्टी से वो प्लांट जो है अपने रूट्स के जरिए उन मिनरल्स को और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, सब मतलब अपने में समा लेता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट इज़ टू फिक्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। सेकेंड मेन फंक्शन ये है कि प्लांट को एकदम सीधा खड़ा रहने के लिए उसकी रूट जो है मिट्टी में ऐसे काम करती है जैसे कि वो मिट्टी में मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो मिट्टी को अगर वो पकड़ के रखेगी तभी वो प्लांट को एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा कर पाएगी, मतलब उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है खड़े होने के लिए। द रूट स्प्रेड्स आउट इन टू द सॉइल एंड होल्ड ऑन टू इट। जड़ें जो है वो रूट्स में मिट्टी में स्प्रेड कर जाती हैं, और स्प्रेड करने की वजह से वो क्या करती हैं, उसको मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स द सॉइल टू स्टे इन प्लेस। एक तो ये प्लांट को मिट्टी जो है रूट्स के जरिए, रूट्स पकड़ के रखती हैं मिट्टी को, तो ये एक तो प्लांट को सीधा खड़ा रखती है। दूसरी चीज़ ये कि रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती है, इसके लिए, इसकी वजह से ये मिट्टी के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्या करती है, ये मिट्टी को कभी भी वेस्ट नहीं होने देती। सॉइल डैट इज़ नॉट कवर्ड बाय प्लांट गेट ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय द रेन। जहाँ पर, जिस जगह के ऊपर प्लांट्स नहीं होते, वहाँ पर जो मिट्टी है वो तेज़ बहाव से, तेज़ पानी के प्रेशर से, या फिर तेज़ हवा से वो बह जाती है, उड़ जाती है। लेकिन जहाँ पे प्लांट होगा वहाँ पे मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो इस प्रोसेस को, जब तेज़ हवा के साथ या तेज़ बारिश के पानी के साथ मिट्टी उड़ जाती है, उसको हम बोल देते हैं सॉयल इरोजन, मतलब मिट्टी का एक तरह से नुकसान होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। प्लांट्स प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम इरोजन, सॉयल इरोजन होने से रोकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ एक्टिविटी, प्लेस अ फ्लावर इन अ पॉट, फ्लावर पॉट इन अ बाउल। एक फ्लावर पॉट को एक बाउल में रखेंगे, फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल, आधा उसको मिट्टी से भर देंगे और उसके ऊपर पानी डाल देंगे। सम ऑफ द वाटर
विल सोक, उससे क्या होगा कि थोड़ा पानी जो है वो सोख लेगा एंड ड्रिप थ्रू द होल एट द बॉटम ऑफ द पॉट। पॉट के नीचे जो एक छोटा सा होल होगा उसमें से बाकी का एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। दिस वाटर विल हैव मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। अब इस पानी में क्या होगा, मिनरल्स होंगे जो मिट्टी से उसको मिले हैं। देन पोर द वाटर इन टू अ जार एंड ग्रो अ मनी प्लांट इन इट। अब आप इस पानी में, इस पानी को एक जार में रख दो और उसमें आप मनी प्लांट ग्रो करके देखो। पोर मोर वाटर इन टू द जार इफ़ यू नीड। अगर आपको लगता है कि थोड़ी पानी और पानी की ज़रूरत है तो उसमें और पानी डाल सकते हो। ग्रो अनदर मनी प्लांट इन अ जार ऑफ टैप वाटर। और दूसरी साइड में आपने क्या करना है कि सिंपल पानी लेना है टैप से, उसमें मनी प्लांट रखना है। तो दोनों को आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। देन सी विच प्लांट ग्रोस बेटर। तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, वो प्लांट जिसमें पानी हमने जो डाला है वो मिनरल वाटर है, मतलब वो पानी जो हमने मिट्टी वाला पानी डाला था, क्योंकि उसमें मिनरल प्रेजेंट थे। तो मिनरल क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डिग आउट सम सोयल विद ग्रास एंड पैक इट इन टू द ट्रे। थोड़ी सी ग्रास निकाल के उसको ट्रे में रखिए। यू कैन ऑल्सो ग्रो ग्रास इन अ डीप ट्रे। Hold the tray at a slant over a sink or a vessel. Pour water over it. Most of the soil will held in place by the roots. You can pour water over a similar tray or uncovered for comparison. आप क्या कर सकते हो कि आप ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसके ज़रिए आप ये देख सकते हो कि ग्रास जो है वो कैसे ग्रो करती है और उसकी जो रूट्स हैं वो कैसे होती है। एक ट्रे में आप ग्रास लेके उसको ग्रो करवा सकते हो। ये भी देख सकते हो कि पानी जो है नीचे वो सिंक कर जाएगा। और उसके अलावा अगर आप ग्रास को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो एकदम आपको फाइब्रस रूट्स जो हैं वो नज़र आएंगे उसमें। नेक्स्ट अदर फंक्शंस ऑफ दी रूट्स। रूट्स के कुछ और फंक्शंस, सम प्लांट्स हैव रूट्स डेट डू अदर जॉब्स। कुछ प्लांट्स की रूट्स काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स की रूट्स जो हैं उसमें खाना स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट की रूट्स हैं, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड हालिया, इन सब की रूट्स जो हैं हम उनको खाते हैं। दी प्लांट्स यूज दी स्टोर्ड फूड टू ग्रो। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो आउट ऑफ दीज रूट्स। जो प्लांट्स अपने रूट्स में खाने को स्टोर करते हैं हम उनको मिट्टी में गाड़ के नया प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और टाइप्स की रूट हैं, प्रॉप रूट्स इन बनियन। बनियन ट्री में देखिए आप किस तरह की रूट्स होती हैं, लंबी लंबी, जिसको हम बोल देते हैं प्रॉप रूट्स। दूसरी तरफ ये मनी प्लांट का पौधा है जिसमें क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, मतलब वो रूट्स के जरिए ऊपर क्लाइंब करते हैं। बनियन ट्री हैव रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर ब्रांचेस। बनियन ट्री की रूट्स जो हैं वो उनकी ब्रांचेस से निकलती है। दीज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड एंटर द सोयल। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और नीचे की तरफ ग्रो करने के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। देन दे ग्रो थिक एंड एक्ट लाइक पिल्लर्स। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये रूट्स के क्या है, पिल्लर्स हैं, मतलब खंबे हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में। दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट बिकॉज दे प्रॉप अप और सपोर्ट दी ट्री। इनको प्रॉप रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉप अप मतलब ऊपरी की तरफ ट्री को सपोर्ट करते हैं। मनी प्लांट एंड बीटल पान, जिसको हम पान बोलते हैं, प्लांट हैव रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द स्टेम। स्टेम से इनकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। देखिए अभी प्रॉप रूट्स जो हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं, ब्रांचेस से। और जो क्लाइंबिंग रूट्स जो हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं, स्टेम से। तो एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया है कौन सा, मनी प्लांट एंड बीटल, दैट इज पान। नेक्स्ट द स्टेम। अभी हमने रूट्स के फंक्शंस किए थे, अभी स्टेम के फंक्शंस करेंगे। क्या है, इट सपोर्ट्स द प्लांट। प्लांट को ये एक तो सपोर्ट करती है, इट बियर ब्रांचेस। इसके ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स लगे होते हैं और इसकी प्लांट की जो बर्ड है वो भी उसी के ऊपर ग्रो करती है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये एक तरह से एक माध्यम है। माध्यम किस चीज़ का है, मिट्टी से पानी को कैरी करके प्लांट के पत्तों तक पानी को लेके जाना। इट ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो पत्तों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो वहाँ से ये खाना प्लांट के बाकी हिस्से तक भी पहुँचाती है। देयर आर थिन ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स। देयर आर सेपरेट ट्यूब्स फॉर कैरिंग फूड। तो प्लांट के अंदर पानी को लेके जाने के लिए अलग ट्यूब्स होती हैं स्टेम के बीच में, और फूड को कैरी करने के लिए अलग से ट्यूब्स होती हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या किया है, पानी डाला हुआ है जार में, उस पानी को आप कलर कर सकते हो, ठीक है। गुल मेहंदी यहाँ पे इसकी प्लांट ली है जिसको हम कट करेंगे उसकी स्टेम को। तो स्टेम को कट करने के बाद आप क्या देख सकते हो कि पानी जो है स्टेम के ज़रिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर उसको पानी में रखने के बाद उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करके ये देख सकते हो कि उस स्टेम में वो
पानी का कलर जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम सिंपल वाटर लेंगे तो हमें पानी का कलर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमने क्या किया, कलर्ड वाटर लिया है ताकि हमें पानी जो है ऊपर जाता हुआ नज़र आए, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टेम के ज़रिए जो प्लांट जो है अपना पानी ट्रांसपोर्ट करवा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट, अदर फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के कुछ और फंक्शंस क्या है कि स्टेम में भी फूड स्टोर होता है, जैसे पोटैटो, अनियन एंड जिंजर, ये कुछ ऐसे स्टेम्स हैं जिनको हम खाते हैं। वी ईट दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम दैम। जैसे रूट के ज़रिए भी नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही इन स्टेम्स के ज़रिए जिनमें फूड स्टोर होता है उनके ज़रिए भी न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वट टेल्स अस दैट पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड नॉट रूट्स। कौन सी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि पोटैटो, जिंजर और अनियन जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन रूट्स नहीं है। वी नो दैट दे आर स्टेम्स बिकॉज दे हैव बड्स। तो उनके ऊपर एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम बोल देते हैं बड्स। द रूट्स डू नॉट हैव बड्स। बड्स जो हैं वो रूट्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, वो स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज, यू कैन ईजिली सी दी बर्ड्स ऑफ जिंजर। आपको यहाँ पे ये तीनों पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप इनमें पोटैटो के ऊपर आप बर्ड देख सकते हो, जिंजर के ऊपर बर्ड देख सकते हो और अनियन में भी आपको ये बर्ड्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स जो हैं ये हेल्प करती हैं नए प्लांट की ग्रोथ में, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द फ्लैशी ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ कैक्टस आर नॉट लीव्स। यहाँ पे हम कैक्टस देखेंगे, तो कैक्टस के ऊपर ये जो फ्लैशी पार्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो लीव्स नहीं होती। दीज आर स्पेशल स्टेम्स, ये भी एक तरह की स्पेशल स्टेम्स होती हैं जो अपने में फूड और वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अभी आपको पता है कि कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में पानी की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए ये कुछ प्लांट्स अपने बीच में अपने स्टेम्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। उन्हीं में से एक प्लांट है कैक्टस। द लीव्स ऑफ द कैक्टस आर ऑल्सो नॉट लाइक ऑर्डिनरी लीव्स, दे आर लाइक स्पाइंस। कैक्टस के पत्ते जो होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो स्पेशल लीव्स लिखा हुआ है, ये क्या है, स्पाइंस। तो ये कांटों जैसी होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि पत्तों में से पानी का लॉस ना हो। नॉर्मल पत्ते जो होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन होती है, जिसमें से पानी का लॉस हो जाता है, पानी का नुकसान होता है, पानी रिलीज हो जाता है, भाफ बन के उड़ जाता है, लेकिन कैक्टस में से ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, द लीफ, द लीफ हैज़ थ्री जॉब्स। लीव्स के तीन मेन काम होते हैं, टू मेक फूड, खाना बनाने का काम जिसको हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सेकंड टेक इन एंड थ्रो आउट एयर, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना, हवा को अंदर लेना और रिलीज करना, एंड गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये बाहर निकाल देती है, जिसको मैंने अभी बताया ट्रांसपीरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे डिटेल में। द लीफ मेक्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो लीव्स जो है अपना खाना बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, मतलब नेचर में जितने भी CO2 हमने रिलीज़ की हुई है ह्यूमन बीइंग ने, और जितना भी पानी प्रेजेंट है उसको यूज़ करके पत्ते जो है अपना खाना बनाते हैं। वाटर इज़ कैरिड अप फ्रॉम द रूट्स। पानी जो है हमें पता है कि वो रूट्स के ज़रिए पत्तों तक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, पत्ते में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा जो है क्या करता है, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। इनसाइड द लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ काइंड ऑफ शुगर एंड ऑक्सीजन। तो हमने ये पहले भी किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देते हैं, एक शुगर बना देते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोल देते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। वो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं पौधे जिसको हम इनहेल करते हैं। द एनर्जी नीडेड बाय द लीफ टू कुक फूड कम्स फ्रॉम सनलाइट। तो खाना बनाने के लिए जो एनर्जी पौधे को चाहिए वो कहाँ से आती है, सूरज की रोशनी से आती है। पत्तों के ऊपर एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करके रखती है, मतलब पकड़ लेती है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है और पत्तों के रंग को ग्रीन बना देता है। तो अभी अगर आपको पूछे कि पत्तों का रंग ग्रीन क्यों है, तो आप ये बताओगे कि उसमें एक चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम बोल देते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। जो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, जो मैं अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, बिकॉज सनलाइट मेक्स इट पॉसिबल। अभी फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग समथिंग, कुछ बनाना।
तो जब हम लाइट की प्रेजेंट में कुछ बनाते हैं उसको बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो पहले भी हमने की हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना के देंगे हमें, शुगर एंड ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट जो हमने बोला है कि गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब हवा अंदर बाहर जो करती हैं वो, और यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन को वो दिन में रिलीज़ कर रहा है। लेकिन रात में क्या होता है, ये डे टाइम पे है हाफ साइड और ये हाफ साइड जो है यहाँ पे वो नाइट टाइम में है। ओनली फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम में प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, लेकिन दिन में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, मतलब सांस लेता है। सांस लेने के प्रोसेस को ये बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन होती है। तो दिन में वो अपना खाना भी बनाता है जिसके ज़रिए क्या होता है कि वो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन हम बोलेंगे कि गैसेज एक्सचेंज है। तो यहाँ पे देखिए रात में क्या हो रहा है, रात में उल्टा काम हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही थी और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि रात में और दिन में प्लांट्स में कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को, लीफ जो है एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर देती है। अभी कैसे, आपने इवेपोरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, पानी जो है वो जब बॉयल करते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही जब पत्ते के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो पत्ता हीट की वजह से, गर्मी की वजह से एक्स्ट्रा पानी को भाप बनाकर रिलीज़ कर देता है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। यही आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हो, एक पत्ते को ऐसे पेपर के लिफाफे के साथ, ठीक है, पॉलीथीन के साथ आप कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद आप उसको धूप में रख दो, थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि उस लिफाफे के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर आप पानी की बूंदें ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि पानी जो है पत्तों में से भाप बन के रिलीज़ होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अदर जॉब्स ऑफ लीव्स, अब पत्तों के और क्या काम है, प्रिकली स्पाइंस, कैक्टस के पत्ते जो हैं उनके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं, जो उसको बचा के रखते हैं बाकी के एनिमल्स से, ताकि कोई एनिमल उसको आके खाए नहीं। इसके अलावा उनकी कुछ स्पेशल जॉब्स हैं जो हम उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे हम स्पिनच, पालक को हम खाते हैं। थिक लीफ प्लांट स्टोर फूड एंड वाटर, जो थिक पत्ते होते हैं, मोटे पत्ते होते हैं, उसमें फूड जो है वो स्टोर होता है। स्पेशल लीव्स ऑफ अनियन ऑल्सो स्टोर फूड, अनियन के कुछ लीव्स जो हैं वो भी प्लांट में फूड को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फ्लावर, अब हमने पढ़ा है अभी तक रूट्स के फंक्शन, स्टेम के फंक्शन, लीफ के फंक्शन, अब पढ़ेंगे फ्लावर के फंक्शन क्या है। द जॉब ऑफ फ्लावर इज टू हेल्प अ प्लांट रिप्रोड्यूस, एक फ्लावर का काम क्या है कि नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कराना, नए प्लांट को पैदा करना। द फ्रूट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर, अभी होता क्या है कि एक फ्लावर से एक फल जो है वो पैदा होता है। एक फल के अंदर आप देखते हो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं बीज को अगर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो एक नया प्लांट वहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। तो फ्लावर का काम क्या है, एक फ्रूट को पैदा करना और फ्रूट के ज़रिए वहाँ से जो सीड्स रिलीज होती हैं वहाँ से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द सीड, अब सीड का काम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक नए प्लांट को ग्रो करवाने में हेल्प करना। द सीड स्टोर द फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो नया प्लांट ग्रो करने वाला है उसके लिए सीड में खाना स्टोर हो जाता है। इट इज़ कवर्ड बाय द टफ स्किन कॉल्ड सीड कोट, कोट आप पहनते हो, ठीक है, कोट का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को कवर करना। ऐसे ही सीड की बॉडी को कवर करने के लिए सीड कोट प्रेजेंट होता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बीन्स को और ग्राम्स को, ग्राम्स इज चने, बीन्स किडनी बीन्स मतलब राजमा, इन दोनों को आप भिगोकर रख सकते हो। भिगोकर रखने के बाद आप देखोगे कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो सॉफ्ट होने के बाद ये पानी को अब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसको अब अगर आप छीलोगे, उसका छिलका जो सीड कोट है उसको उतार कर आप उसके दो पार्ट्स करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके जो दो पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोटिलीडन्स, ठीक है। सीड लीव्स होती हैं वो, उसको हम कोटिलीडन्स बोल देते हैं।
अब इन कोटिलेडन्स के जरिए नया प्लांट जो है वहां से शूट बनकर ग्रो करता है। देखो यहाँ पे ये ग्राम दिखाया गया है, चने का दाना है, तो वहां से दो कोटिलेडन्स आपको दो उसके सीड लीव्स नजर आ रहे हैं। द बेबी प्लांट रेस्ट इनसाइड द सीड एंटिल इट्स ग्रो। जब तक वो प्लांट ग्रो नहीं कर जाता तो वो उस सीड के अंदर जो रेस्ट करता है। वेल सीड फाइंड्स वाटर, जब पानी एक सीड को पानी मिलता है, वार्म्थ गर्माहट मिलती है और एयर हवा मिलती है, तब ये सीड कोट जो है वो स्प्लिट टूट जाता है और टूटने के बाद एक नया प्लांट वहाँ से जन्म लेता है। ऑल सीड्स डू नॉट हैव टू कोटिलीडन, सारे के सारे सीड्स में दो कोटिलीडन्स नहीं होते, कुछ में सिर्फ सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होता है, जैसे राइस, आलमंड, पीनट्स और कुछ पल्सेस हो गई, वीट हो गई, मेज हो गई। ठीक है, तो ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो सीड्स की स्टडी आप कर सकते हो। सीड्स लेके आप देख सकते हो उसको सेंटर में से हाफ करके, अगर हाफ होने के बाद आपको उसके इस तरह से दो हिस्से नज़र आ रहे हैं तो वो टू कोटिलीडन्स डैट इज डाई कोटिलीडन प्लांट होगा, अगर अदरवाइज वो मोनोकोट होगा। मोनोकोट मीन्स जिसमें सिंगल कोटिलीडन ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। अब सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्कैटर करती हैं, स्कैटर मतलब बिखरना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे बिखरती हैं, उसके तीन चार मेथड मेन हैं। तो यहाँ पे देखिए, नंबर वन इज़ द सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाई इनसाइड जूसी कलरफुल फ्रूट्स। काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो जूसी फ्रूट्स के अंदर रहते हैं, तो जब हम उन फ्रूट्स को खाते हैं या फिर एनिमल उन फ्रूट्स को खाते हैं, तो खाने के बाद वो कहीं पे भी उन सीड्स को फेंक देते हैं। जहाँ पे वो गिरेगा वहाँ पे अगर मिट्टी में उसको अच्छी कंडीशंस मिलेंगी, पानी मिलेगा, वार्म्थ गर्माहट मिलेगी और हवा मिलेगी, तो वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, सम सीड्स हैव हुक्स और ब्रिसल्स। कुछ सीड्स के ऊपर कांटे लगे होते हैं, हुक्स होती हैं प्रेजेंट, ब्रिसल्स होते हैं प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो एनिमल की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है या फिर कपड़ों के ऊपर चिपक जाता है। तो आगे जाके अगर हम कहीं पे वो कपड़े झाड़ते हैं हमारे, या एनिमल अपनी बॉडी को शेक करके हिलाकर अपनी बॉडी को झाड़ता है, तो वहाँ पे वो सीड्स गिर जाते हैं। सेकेंड थर्ड पॉइंट है द सीड ऑफ कॉटन। कॉटन की सीड्स जो हैं वो उनके ऊपर हेयर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, लोटस वाटर लिली प्लांट की जो सीड्स हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, तो कुछ सीड्स पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो मेन क्या आ गए यहाँ पे मेथड, एनिमल, विंड एंड वाटर, ये प्लांट को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पे हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अभी। फिलिंग दी ब्लैंक्स। नंबर वन, द सब्सटेंस डेट हेल्प्स लीव्स ट्रैप सनलाइट इज कॉल्ड, वो चीज़ जो सूरज की रोशनी को पकड़ने में हेल्प करती है वो क्या है, क्लोरोफिल। नंबर टू इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म शुगर एंड डैश इन दी लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके पत्ते में क्या बना देते हैं, शुगर एंड ऑक्सीजन। लीव्स गिव ऑफ डैश एट नाइट, रात में लीव्स क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में ऑक्सीजन लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड। द जॉब ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प द प्लांट डैश, फ्लावर का काम क्या होता है, एक प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाना। सीडलिंग्स ग्रो व्हेन सीड्स गेट वाटर एयर एंड डैश, एक सीड तब ग्रो करती है जब उसे क्या मिलता है, पानी, हवा एंड वार्म्थ, मतलब सनलाइट, गर्माहट मिलती है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड डैश, एक प्रोसेस जिसके जरिए एक पौधा अपना खाना बनाता है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, नेम वन द रूट डैट स्टोर्स फूड, एक रूट का नाम लिखना है जो खाने को स्टोर करता है, डैट इज कैरेट। अ स्टेम डैट मेक्स फूड, जो खाना बनाती है स्टेम, वो है पोटैटो। ए प्लांट विद क्लाइंबिंग रूट्स, जो क्लाइंब करता है ऊपर चढ़ता है वो है मनी प्लांट। अ प्लांट डैट हैज़ फाइबरस रूट, डैट इज अनियन। अ सीड विद टू कोटिलीडन्स, किडनी बीन्स या फिर ग्राम भी लिख सकते हो आप। अ सीड डैट इज स्कैटर्ड बाय वाटर, पानी के जरिए इधर उधर जाने वाली सीड्स, लोटस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ट्रीज एंड श्रब्स हैव डैश, ज़्यादातर ट्रीज और श्रब्स में टैप रूट प्रेजेंट होती है। बनियन ट्री में कौन सी रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट, जो पानी पानी और हवा की वजह से मिट्टी इधर उधर जाती है उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। पोटैटो की स्टेम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बड्स। नंबर फाइव, गैसेज एंटर एंड लीव दी लीफ, लीफ मतलब छोड़ना, लीफ मतलब पत्ता, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, LEAVE, लीफ मतलब छोड़ना। तो गैसेज अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं एक पत्ते से, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए, उसमें जो होल्स प्रेजेंट होता है। कॉटन सीड्स आर स्कैटर्ड बाय डैश, कॉटन सीड किसके जरिए इधर उधर जाती हैं, विंड के जरिए।
तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम हमने किया है, क्या नाम था, द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।